साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ रीसेंट दौर की ही एक खास खबर साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक बयान है, जो कि अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि शिक्षा मित्रों के समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने में अभी लगेगा समय। आखिर ये पूरी खबर क्या है, जानेंगे विस्तारपूर्वक आगे वीडियो में। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, आप अमित शाह जी से मिले, हम लोग के बारे में चर्चा आपने नहीं किया। उन्होंने कहा कैसे चर्चा करूं, क्या चर्चा करूं, तुम्हारे साथ कार्यक्रम करते हो 287 लोग आते हैं, मैं वो फोटो कैसे दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में 27,000 लोग पीड़ित हैं। जब वो मैं फोटो दिखाऊंगा तो कहेंगे 287 लोग हैं। तो मैं किस बेस पे तुम्हारी आवाज को उठाऊंगा? मैं जहां भी जाता हूं सर, बातें यही आती है कि किस बेस पे तुम्हारी आवाज को मैं उठाऊं। ऐसा नहीं है, इस पूरे पूर्वांचल में सर कोई भाजपा का सांसद विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है जो मुझे नहीं जानता है। जानता है, लेकिन वो संख्या खोज रहा है। उसको लगता है कि हम इसके, अभी मैं कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के जो संजय निषाद जी हैं, मत्स्य मंत्री जी, उनके पास गया। उन्होंने कहा कि आप एक कार्यक्रम करो लखनऊ में, मैं उस कार्यक्रम में आऊंगा, मैं लाऊंगा केशव मौर्य जी को, मैं लाऊंगा अमित शाह जी को। तो जब मैं किस बेस पे कार्यक्रम करूं, आप बताइए। मैं अभी लखनऊ में कार्यक्रम रख दूं, पता चला 200 लोग पहुंचे, आप बताइए मैं संजय निषाद जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? केशव मौर्य जी, अभी मेरे पास एक हमारे मित्र हैं, केशव मौर्य जी के साथ रहते हैं, उन्होंने कहा आप जब भी प्लानिंग बनाइए, मैं केशव मौर्य जी से आपकी मुलाकात करा दे रहा हूं और उनका कार्यक्रम भी आपको दिला दूंगा। लेकिन कार्यक्रम मैं किस बेस पे लूं? अभी मैं कार्यक्रम करूं तो अनुदेशक साथी आएंगे ही नहीं, तो किसके बेस पे, किसके लिए कार्यक्रम करूं? तो मन हम लोग का भी सर बहुत व्यथित हो जाता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन लड़ूंगा, अंतिम दम तक लड़ूंगा, तन मन धन से लड़ूंगा, क्योंकि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अनुदेशकों का सम्मान दिलाना। और ये सम्मान जब तक अनुदेशकों का मिल नहीं जाएगा, इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा और अंतिम दम तक लड़ता रहूंगा सर। चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई साथ दे या ना दे, फिर भी इस लड़ाई को लड़ूंगा और अंतिम दम तक लड़ूंगा। विक्रम शायद कहीं रास्ते में, तो विक्रम से हमारा संपर्क टूट रहा है। हम फिर विक्रम से बात करेंगे और पहले सुरेंद्र सर के पास जाएंगे। सुरेंद्र सर, हो क्या गया है जमाने को? अब खेमेबंदी भी ऐसी हो गई है कि हम आपके साथ नहीं आएंगे। अब नियम कानून भी जो हो रहे हैं वो बड़े अलग तरीके के हो रहे हैं कि हमें अगर आपका साथ नहीं देना तो फिर आप चाहे कुछ भी करना, हम तुम्हारे साथ नहीं है। देखिए, अभी जब विक्रम से बोल रहे थे तो मुझे एक मुहावरा याद आ गया और बिल्कुल इस पर समीचीन है कि कापर करूं सिंगार पिया मोर आदर। हम लोग किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? जो अपने लिए ही लड़ाई लड़ने को तैयार है, या हम कह रहे हैं कि खपच्ची लगाकर हम पहलवान बनाए हुए, वो सरेंडर किए हुए। जब जिनका मैटर है, या तो बुरी तरह निराश हो गए, दोनों बातें हो सकती हैं। अच्छा, हमारे तो हर काम भगवान पर छोड़ दिया जाता है, उनको कहा होगा जो भैया तुम ही जानना, बाकी ये जो मूर्ख लोग हैं अपना कुछ डिबेट डिबेट कर रहे हैं, कर लेने दो, हम अब जान रहे हैं कि हमारे बस का कुछ। तो मैंने अभी आपको गाना तो सुनाया था, उसका दूसरा पार्ट सुनाई देता हूं। जो इस देश की मानसिकता है अधिकांश लोगों, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। एक बड़ी पुरानी फिल्म थी मदर इंडिया, उसका गाना वही इन लोगों का कहा कि ठीक है, ईश्वर ने जो दे दिया है उसको झेल रहे हैं और बाकी तो ठीक है, ये रोजा गिरले अगर कुछ होगा, अगर कुछ मिल रहा होगा तो सबसे पहले वही लोग गदा लेके आगे आ जाएंगे कि नहीं नहीं सबसे पहले हमको दीजिए, ये हमने खूब देखा और ये जिंदगी में खूब होता,
हम बहुत से ऐसी लड़ाई हमने लड़ी कि जब जरूरत थी कोई नहीं आया, और जब पता चला कि अब कुछ बोनस उन्हें बढ़ने का मामला आ गया है तो सबसे पहले वो लोग आ गए जो बिल्कुल निष्क्रिय पड़े थे, कुछ नहीं कर। बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि हमें एक पत्रकार के नाते हमें रात को अपने जज्बे को मरने नहीं देना है। ठीक है, नहीं आ रहे, 400 लोग जुड़ रहे हैं, 600 लोग जुड़ रहे हैं, और विक्रम सिंह को इन लोगों का हितैषी और नेता होने के नाते पीछे नहीं हटना है। हो सकता है कभी चली जाए मामला, हो सकता है कल सरकार बदल जाए, दूसरी सरकार करे, और ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक ही रिजीम चलेगा, हमेशा एक ही तरह का समय चलेगा। तो मैं विक्रम सिंह को ढाढ़स बनाना चाहूंगा कि वो अपना धैर्य न खोए, अपनी लड़ाई को जारी रखे, और हम जो दो चार लोग हैं उनके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ आदरणीय राजाराम त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले चंदसेन जी से हम सवाल करेंगे। चंदसेन सिंह, लगातार अनुदेशक और शिक्षा मित्र की मौत होती चली जा रही है और सब खामोशी से सुनते चले जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही सर जी? जी, वॉइस मिल रही। सभी को मेरा प्रणाम। सर, सरकारें जब किसी कल्याणकारी भावनाओं को छोड़कर किसी विशेष हितों पर सरोकार हो जाती हैं, तो ऐसी ही स्थितियां सामान्य हो जाती हैं। संवेदनहीनता की सारी जब चरम सीमाएं पार हो जाती है, भाई कोई कितना भी लड़ता रहे, चिल्लाता रहे, मरता रहे, कितनी भी आत्महत्या होती रहे, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको सुनने नहीं है, तो ऐसे नतीजे में तो सबको नीरस पड़ना स्वाभाविक है। फिर आवाज उठाना, संघर्ष करना, वो हर पहलू, हर मतलब शिक्षा मित्र है वो अपनी आवाज लड़ाई लड़ रहे हैं, अनुदेशक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए विजय कुमार बंधु जी के अगुवाई में कंटिन्यू ओपीएस की यात्रा भी बांदा जिले आ पहुंची है, बिहार से चलती हुई। तो लड़ाई तो सभी कर्मचारी लड़ रहे हैं, लेकिन उनका अगर कोई असर पड़े सरकार पर तब तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि इसका कोई विशेष सरकार पर प्रभाव जाता है। बिल्कुल आप यही हम, सर अभी हमारे जो ट्रांसफर वाला मामला आया, देखिए सर ये बताइए, अप्रैल के महीने हमारे जो विद्यालय हैं, जितने भी पूरे प्रदेश के विद्यालय हैं, कहीं भी ज्यादातर किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे हैं, सारा का सारा वर्ग अप्रैल के महीने में किसानी के कार्यों में व्यस्त रहता। अब उस समय कोई नामांकन करवाने के लिए ध्यान भी नहीं देता, और ना ही भाई अध्यापक प्रयास भी करे, अनुदेशक प्रयास भी करे, तो वो 100 या 90, 95, 98 में जाके लटक जाता है।